नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक क्रोशे का डिज़ाइन सिखाऊंगी। इसे आप अपने शॉल पे भी बना सकते हैं, स्कार्फ भी बना सकते हैं, मफलर भी बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट और आप टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसे बनाना कैसे है, तो ये मैं पहले आपको ये बता दूं। तो आप चाहे आप कलरफुल भी बना सकते हो और आप चाहे एक रंग का भी बना सकते हो। तो ये एक रंग का भी बहुत अच्छा लगता है और कलरफुल भी बहुत अच्छा लगता है। तो कलरफुल जैसे यहाँ पे एक रंग डाल दिया और यहाँ पे एक लाइन डाल दी, इस तरह से आप बना सकते हो। तो पहले हमें ये, मैंने 15 चेन ली है, तो मैंने तो सिर्फ सिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ है, लिया हुआ है ये। तो आपने जब ये इसकी लंबाई रखनी है, जितने आप चेन डालोगे तो आप नाप कर लें, पहले कोई दुपट्टे से नाप कर लें, जितनी आपको लंबाई चाहिए उतने आप इसकी चेन बना सकते हो। और चेन के बाद फिर हमने डबल क्रोशिया, ये सब डबल क्रोशिया चला हुआ, ये डबल क्रोशिया से ही बना हुआ है, बहुत ही आसान। सबसे पहले ये मुझे लूप बनानी है ऐसे, तो मैंने वो आपको सिखाया ही हुआ है कि चेन कैसे बनानी है, तो वो आपको आता ही होगा। तो बस ये 15 चेन लेनी है हमने, इस तरह से लूप बना के ये 15 चेन लेनी है गिनती की। तो ये हमारी इस तरह से 15 ये चेन बना ली है। आपने जितना लंबा रखना है ना, उतने आप चेन बना ले। अब हम हर ये जो ये इसका बनाया स्टिच बनाया उस पर डबल क्रोशिया, तो डबल क्रोशिया आपको पता ही है, ये इस तरह से ये रैप करना है इसको, और ये ऐसे पिरोया, और फिर ये इस तरह से, और ये कितने बन गए, तीन लूप बन गए। और तीन के हमें ये दो लेने हैं और दो का फिर हमें एक, तो इसको बोलते हैं डबल क्रोशिया। तो ये पूरे ऐसे बनाई करनी है हमें। तो इस तरह से हमने ये सब चेन पे जो है ये डबल क्रोशिए से ये बना लेना है। और उसके बाद फिर हमें अपना ये जो वर्क है इसको कैसे टर्न करना है, ये यहाँ पे जब ख़त्म होता है तो हमें तीन चेन लेनी है, एक दो और ये तीन, और फिर इसको ये ऐसे उल्टाना है, उल्टा करके ये कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है कि तीन के बाद फिर हमें जैसे ये एक, ये आप देख रहे हैं, ये एक जो जितने भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, ये एक दो, ये छोड़ने के बाद फिर हमें जो तीसरा ये जो घर है ना, ये तीसरा स्टिच है, इस पे हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो वो हमें किस तरह से लेना है तो मैं ये बताऊंगी। तो ऐसे किया, टर्न किया और फिर इसको इस तरह से, और ये एक डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद चेन, एक चेन लेनी है, ये एक चेन ली, और फिर उसके बाद हमें ये एक और डबल क्रोशिया उसी जगह पे जहाँ पे हमने अभी एक डबल क्रोशिया लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ये वी बन जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, आगे कोई चेन नहीं लेनी है, फिर हमें पूरी बार ऐसे ही ये बनानी है, जैसे एक दो ये छोड़ के तीसरे पे हमें ये डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, और फिर इसी उसमें जिसमें हमने एक ये लिया ना, इसी में फिर एक और डबल क्रोशिया, ऐसे। तो आप समझ गए होंगे, तो ये कैसे करना है, इस पे एक दो छोड़ के तीसरे पे एक डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर एक दो छोड़ के ये, फिर तीसरे पे हमें ये एक डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, ये इस तरह से आएगा, ये आप देख पा रहे हैं। और पूरा हमें इसी तरह से बुनाई करनी है। और फिर ये इतना हमारा बन गया है।
फिर बिना कोई चेन लिए, चेन बस ये सेंटर में जो लेनी है एक एक करके ना, ये सेंटर जो वी बन रहा है हमारा, फिर ये इस पे एक छोड़ा, दो छोड़े और तीसरे पे ये डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक चेन, और उसी घर में जो स्टिच है एक और क्या लेना है हमें, डबल क्रोशिया, ये लिया डबल क्रोशिया। तो कुछ इस तरह से ये बन गया हमारा डिज़ाइन, ये देखा आपने इस तरह से बन गया। और उसके बाद ये जो ये यहाँ पे जो बचा है तो इसको क्या करना है हमने, ये दो पे दूसरे जो ये चेन है ना उस पे हमने डबल क्रोशिया एक लेना है, ऐसे करके ये इस पे ये एक डबल क्रोशिया ले लिया ऐसे। तो ये कोने वाली हमारी लूप बन गई, जैसे इस तरह से ये शुरू में बनी थी, ये याद है आपको तीन घर जो बनाए थे हमने, ये तीन चेन ली थी तो ये बनी थी, तो उसी तरह से ये हमारी एक ये हुई साइड पे हुई। और अभी इसमें भी हमने क्या करना है, अपने वर्क को कैसे टर्न करना है, वही तीन चेन, ये तीन चेन एक दो और तीन, तो सारा जो ये है डिज़ाइन ये डबल क्रोशिए का बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है ये जो हमारे ये बने हैं ना, ये बी वी बने हैं, इन पे तीन तीन डबल क्रोशिए लेने हैं, इस पे कुछ नहीं करना है। और ये जो वी बना है ऐसे इसको छोड़ देना है, और इसको जैसे ये बना है और ये बना है, इन पे तीन तीन डबल क्रोशिए, तो ऐसे इसको रैप किया और ये एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिए और ये तीन डबल क्रोशिए, ये हो गए हमारे, और कोई चेन नहीं लेनी है। और फिर ये छोड़ के अगला जो ये वी बना हुआ है, और इस पे फिर ये छोड़ के ये अगला वी बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये इन्हीं पे तीन तीन डबल क्रोशिए लेने हैं, ये अगले वी पे नेक्स्ट वाले ये वी पे, ये देखा आपने, ये छोड़ देना है। और ये जो जितने भी वी वी हमने बनाया, जो एक चेन लेके दो डबल क्रोशिए बनाए थे ना, जैसे एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक हमने चेन ली थी और फिर डबल क्रोशिया, उन्हीं के बीच में ये बनाने हैं, बस तीन तीन ये सीधे आने हैं, ये डबल क्रोशिए, एक डबल क्रोशिया, ये हमारा दो डबल क्रोशिए, और बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही आसान, आप किसी भी चीज़ पे बना सकते हो, शॉल पे बना सकते हो। और ये तीसरा डबल क्रोशिया, सिर्फ डबल क्रोशिए का ही चलेगा। और फिर ये छोड़ के ये अगला वाला जो वी बना है हमारा, ये देखा कितना आसान है, इस पे तीन डबल क्रोशिए, ये एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिए और ये तीन डबल क्रोशिए, और फिर ये छोड़ के अगला ये जो बी हमारा ये बना है, ये देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये इस पे फिर इसको ऐसे रैप करके ये तीन डबल क्रोशिए, बहुत ही आसान, एक ये दो और ये हमारा तीन डबल क्रोशिए हो गए। और साइड पे ये जो हमारा ये आ रहा है ना, लूप आ रहा है ना, इसको कैसे करना, तो दूसरी चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया ले लेना है, एक दो इस पे ऐसे करके दूसरी चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया ले लेना है, ये तो ये हमारा साइड कैसे हो गया, ये देखा आपने, तो इस तरह से ये बस यही आना, यही डिज़ाइन आना, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो ये देखो, ये ब्लैक पे ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, दिखा पा नहीं रही हूँ मैं, तो जैसे ये दिखाती हूँ, ये तो इस पे ये पूरे डबल क्रोशिया ये वी वी जो बने, और इनके ऊपर ये तीन जो डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से आपने लंबाई देखती जानी है, करते जानी है। और फिर अगली बारी कैसे, नेक्स्ट वाला जो हम बनाएंगे ये फिर वी वी बनाने हैं, उसके ऊपर फिर तीन, बस यही चलता रहेगा, ये इस तरह से ये बनाने हैं और उनके ऊपर फिर
तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर ये एक डबल क्रोशिया, ये चेन एक, फिर ये एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से। तो अब आगे हमने कैसे बनाना है, चलो मैं आगे और बता देती हूँ। जैसे ये हमने दो पे आगे एक डबल क्रोशिया ले लिया साइड पे जब काम को बंद किया, तो अब इसको हमने टर्न कैसे करना है, तो टर्न करने के लिए फिर हमें दोबारा साइड पे हमेशा तीन लेने हैं, एक दो और ये तीन की चेन। तो बहुत ही आसान है, तो मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ गया होगा, तीन की चेन और फिर इसको ऐसे टर्न करना, और टर्न करके फिर इसको क्या करना है आपने, फिर वही जो पहली लाइन पे किया था हमने, एक दो, एक छोड़ा ये और ये दो छोड़ा, और तीसरे पे हमने क्या करना है, ये इसको रैप किया और एक डबल क्रोशिया, ये है ना कितना आसान। उसके बाद फिर एक चेन, ये एक चेन ली और फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया और ये ऐसे इस तरह से। तो ये देखा वी बन गया हमारा, ये वी बन गया, और इसी के ऊपर फिर अगले नेक्स्ट टाइम हमने तीन जो डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर आगे क्या करना है, फिर हमने पूरी लाइन ऐसे बनानी है, एक छोड़ा दो छोड़े और तीसरे पे हमने ये इस तरह से डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और फिर इसी स्टिच में जो एक डबल क्रोशिया लिया एक और डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से आ गया कुछ, ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह से बहुत ही आसान। और फिर आगे फिर एक दो छोड़े और तीसरे पे हमें फिर ऐसे ही लेना है, ये एक छोड़ा और ये दो छोड़े और तीसरे पे हमें ये डबल क्रोशिया लेना है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर एक और इसी स्टिच में डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक छोड़ना दो छोड़ने और तीसरे पे फिर डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर एक चेन और उसके बाद फिर एक इस पे डबल क्रोशिया, ये। और बंद कैसे करना है साइड वाला जो लूप जो जैसे बन रहा है, तो ये मैंने आपको बताया ना कि एक दो चेन गिन लो और उस पे ये डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दो ऐसे साइड पे, ये बन गया। और हमें इसको टर्न कैसे करना है, फिर तीन तीन चेन लेनी है, बहुत ही आसान, एक दो तीन। तो चलो इस पे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं उस पे मोटे वाले धागे पे दिखाती हूँ, ये देखिए ये ऐसे, ये कितना सुंदर, ये देखा डिज़ाइन ये आ रहा है, ये समझ आया आपको, बहुत ही आसान। तो ये जो डिज़ाइन मैंने इस पे जो बनाया है, आपका मन करे तो आप मोटा धागा भी ले सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप पतला धागा भी, जैसे भी आपका मन करे तो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे बता रही हूँ, ये थोड़ा सा मोटा ऊन है। तो जैसे हमने ये तीन चेन ले ली है, ये हमारी तीन जो चेन बन गई है ना, तो ये कैसे किया, ये तीन तीन जो हो गए हमारे तीन, ये जो एक पे ये जैसे ये डबल क्रोशिए, फिर ये इस पे एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, सारी ऐसे चलेगी, फिर तीन एक छोड़ना दो छोड़ने तीसरे पे फिर डबल क्रोशिया चेन, ये चलेगा। और अगली बारी जब बनाना है तो इन्हीं पे जो ये वी आ रहे हैं ना हमारे, इन पे फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, ऐसे ही। फिर अब ये तीन तीन जैसे डबल क्रोशिया आ गए हैं तो इस पे हमने क्या करना है, एक छोड़ना ये दो छोड़ने और ये तीसरे पे हमें क्या बनाना है, ये रैप करके ये एक डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर क्या लेनी है, एक चेन, तभी हमारा वी बनेगा, एक चेन और फिर इसी स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशिया लेना है, ये ऐसे इसी तरह से डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। ये देखा आपने, ये वी बन गया, ये देखा आपने, ये बन गया ना वी, ये बन गया वी। और फिर साइड पे आपने क्या करना है, साइड पे जैसे मैंने कि आपको बताया कि बंद करने के लिए ये दो चेन लेनी है, दो चेन पे
डबल क्रोशिया बुनना है और फिर तीन की चेन लेके उसको टर्न करना है। तो बस बहुत ही आसान है, ये ऐसे बनाते जाना है। और ये जैसे डबल क्रोशिए का आपने ये बॉर्डर बनाया है, और ये बॉर्डर फिर आपने बंद करके इस तरफ से भी बना लेना है, और इस तरफ भी आप कुछ भी डिज़ाइन जैसे बना सकते हैं। तो ये देखा, बहुत ही आसान है बनाना, सिंपल सी बात है। बस ये जो आप ये बी वी ये आ रहे हैं ना, आपके शेप ये आ रही है ना, एक एक चेन, इन्हीं के ऊपर आपने ये तीन तीन ये क्रोशिए बनाने हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम ये जो जैसे ये तीन क्रोशिया है, उसके बाद फिर ये वी बनेगा, फिर तीन इकट्ठे क्रोशिए ये डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर ऊपर ये फिर वी बनेगा, उसके बाद फिर ये ऐसे इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन इस तरह से ये। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही इजी डिज़ाइन है जो मेरे बहन भाई भाई तो पता नहीं बनाना चाहते होंगे कि नहीं, पर जो मेरी बहनें बनाना चाहती होंगी और अपने भाइयों के लिए, तो वो ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और कुछ अगर समझ नहीं आया होगा आपको तो फिर मैं दोबारा फिर बना दूंगी आपको तो चलिए, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये, तो आपको आ ही जाएगा। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं ज़्यादा बड़ा बनाने बैठूंगी तो फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो होप करती हूँ कि इतना ही आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा।